सतरूपा शीतला मंदिर में 1501 आस्था के ज्योत हुए प्रज्वलित। वहीं इस मंदिर की आस्था को देखते हुए देश विदेश के लोगों ने भी अपने नाम की ज्योत जलवाई। नवरात्र पर्व के अवसर पर दुर्ग के मां शतरूपा शीतला मंदिर में ज्योति कलश द्वारा प्रज्वलित किया गया। वहीं इस बार लोगों की इस मंदिर के प्रति आस्था देखते ही बन रही है। यहां 1501 ज्योति प्रज्वलित किए गए हैं। इसके साथ ही शतरूपा शीतला सेवा समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने मंदिर की आस्था और दिन प्रतिदिन लोगों का रुझान बढ़ने की बात बताते हुए इस मंदिर को भव्य रूप से नवरात्र में सजा धजा कर पूरे 9 दिन विभिन्न आयोजन और महाभंडारे का वितरण किए जाने की बातें कही। साथ ही कहा कि महाअष्टमी हवन पूजन व कन्या भोज के साथ ही नवमी एवं विसर्जन के दिन भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इस संबंध में मंदिर में जले ज्योत पर बैगा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 1501 ज्योति प्रज्वलित हो गई है और श्रद्धालुओं की इतनी अधिक डिमांड थी कि अगर हमारे पास व्यवस्था रहती और हम 500 ज्योत और जला सकते तो उतने मेंबर कल हम लोगों ने हाथ जोड़ के वापस किए। हालांकि लोगों की काफ़ी असंतुष्टि रही कि भाई आप ज्योत बढ़ाओ मगर हमको मौका तो दो ज्योत जलाने का। तो ज्योत हर साल बढ़ते जा रही है। आज से 5-6 साल पहले जो 400-500 ज्योत जलती थी अभी 1500 में पहुँच गई है और अभी हमारे पास जो जगह है उसमें हम लोग उस हाल में आने वाले पर्व में करीब 200 ज्योत बढ़ाने की सोच रहे हैं। दुर्ग शहर में इकलौता ये माता का मंदिर और ज्योत कलश का कक्ष है जहाँ पे परिक्रमा होती है और परिक्रमा में पूरे ज्योत के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे श्रद्धालु बहुत श्रद्धा से सवेरे आके परिक्रमा करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ज्योत की विशेषता तो अब ज्योत जलाने वाले ही महसूस कर सकते हैं मगर इसकी मान्यता इतनी बढ़ते जा रही है कि पहले पूरे भारतवर्ष के हर स्टेट से ज्योत जलाने आते थे, अब उनके रिश्तेदार जो विदेशों में बसे हुए हैं वहाँ से भी ज्योत जलाने के लिए उनका आवेदन आता है और इस साल करीब 20 विदेशों के जो रिलेटेड हैं उनकी ज्योत यहाँ जलाई गई है। वहीं मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने इस बार के कार्यक्रम को और ज्योति विसर्जन को लेकर जानकारी दी। माँ शतरूपा के इस पवित्र प्रांगण में इस वर्ष जो हिंदू धर्म का आस्था दिख रहा है वो बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है और पिछले वर्ष की भांति इस समय हमारे मंदिर में पूर्व में 1399 ज्योत था और इस वर्ष 1501 ज्योत प्रज्वलित किया गया है और 1501 ज्योत के पश्चात हम लोगों ने करीब करीब 400-500 श्रद्धालुओं जनों से हाथ पांव जोड़ के समिति ने खेद व्यक्त किया है और उन्हें अन्य मंदिरों में भेजा है क्योंकि हमारे पास उतनी जगह उपलब्ध नहीं थी। ये जो नवरात्र है माँ शतरूपा शीतला सेवा समिति के तमाम सदस्य यहाँ पे पूरी श्रद्धालुओं के लिए जितनी अच्छी और सुंदर व्यवस्था बन सकती है उसको बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और इस नवरात्र में तृतीया के दिन भजन संध्या का कार्यक्रम है। अंकुर तिवारी जी जो भजन संध्या के सम्राट है उनका कार्यक्रम है। पंचमी के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है, षष्ठमी के दिन कार्यक्रम है, सप्तमी के दिन कार्यक्रम है और अष्टमी के दिन हवन भंडारा कन्या भोज जो इस प्रसिद्ध कार्यक्रम है इस मंदिर का माता का प्रांगण का कन्या भोज का जो विशेष आयोजन होता है। उसके पश्चात नवमी के दिन बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित होते हैं और नवमी के दिन जो शोभा यात्रा निकलती है जब माता निकलती है तो वो देखने के लिए जो पूरा जन सैलाब दुर्ग का यहाँ पे उमड़ता है और ऐसा लगता है ऐसा प्रतीत होता है कि माता साक्षात चल रही है। ये इस मंदिर की विशेषता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।